हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो आज आप सबके सामने एक तरफ होने वाले हैं वलॉन 25, तो दूसरी तरफ होने वाली है टीम डी। जी हाँ, टीम डी सीएस चैंपियनशिप 4.0 आ चुका है एक और मैच की तरफ। जी हाँ, जहाँ पे आने वाली है वो इनवाइटेड टीम है, तो इनके बीच में होने वाले हैं टीम डी से मैचेस, तो देखने वाली बात होगी। पहला मैच टीम डी से, और अब आर्यन देखते सी नॉक जरूर हो गए, तो आर्यन अवेलेबल है या नहीं ये जरूर देखने वाली बात होगी। रॉकर भी यहाँ पर रुके हुए हैं और आगे आगे की तरफ है, और महेंद्र सामने, और यहाँ पे पहला किला तो नजर आ रहा है अमर ड्रोन का, तो देखने वाली बात होगी मैच कैसे होगा। टून इनके साथ होने वाले, सुनियो भी होने वाले हैं जियान को बेलने के लिए। फिलहाल विलन के लाल हेडशॉट देखे नजर आ रहे हैं, तो विलन 25 जी हाँ, इंडिया सर्वर का वन ऑफ द बेस्ट सीएस प्लेयर कह सकते हैं इस बंदे को। जो इसके पास मूवमेंट है, रफ्तार है, एक्यूरेसी है, गेम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस बंदे के पास ना हो। फिलहाल विलन 25 आगे की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, टीम डी की स्क्वाड को धोने के पूरे मूड में। जी हाँ, बैकअप 3 होना है, रॉकर की हेल्थ लो कर दी गई है, और सामने होने वाले तीन तीन बंदे सुनियों का नॉक जरूर किया गया। क्या विलन आएगा? जी हाँ, विलन आएगा। विलन ने देखा जरूर बंदे को, क्या लेंगे? जी नहीं, हील कर रहे हैं, पर लोकेशन आ रही है एक दूसरे की। बात करें तो नीचे मेडिसिन का कुछ आ रहा है लोचा, महेंद्र भी अपने आप को हील करेंगे। 2v2 की फाइट हो गई है, तो महेंद्र और रॉकर ने एक किल निकाल के मैच को बराबरी पे कर दिया है, और यहाँ पे बात बनती है विलन 25 की तरफ से की। और यहाँ पे इतनी देर में मैच स्टार्ट हो चुका है, 2v2 की फाइट, विलन 25 मुसीबत में। एमर ड्रोन क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। एमर ड्रोन विलन 25 की सीएस की एक बेहतरीन स्क्वाड पर थोड़ी सी पिछड़ जरूर रही है, और 1-0 से लीड में देखिए यहाँ पे टीम डी। सेकेंड राउंड है, मार्च लैक्टिस की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल 1-0 से लीड में हमको दिख रही है टीम डी। तो विलन 25 देखेंगे कब तक वापसी करेंगे। दूसरा राउंड मार्च लैक्टिस की तरफ, पहला राउंड टीम डी की स्क्वाड लेगी, पर दूसरा आप सबके सामने विलन 25 ओडिशा का लेजेंडली प्लेयर कह सकते हैं। जी हाँ, लेजेंडरी प्लेयर ओडिशा का, जो हर एक बंदे के पर खच्चे उड़ाना जानता है, सामने वाली स्क्वाड को डिस्ट्रॉय करना जानता है, और सामने वाली स्क्वाड को पूरा हिलाना जानता है जॉन सुंदा। फिलहाल शॉटगन चली है विलन 25 की, एक बंदे को नॉक लेके रुकी है, और यहाँ पर कंपीट करते हुए जरूर नजर आएंगे। फाइट 3-on-4 की आ रही है, और कंपीट चैप्टर क्लोज 3-on-4 में, जरूर देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। सुनियो उनके साथ होने वाले, सिंगल पीसी प्लेयर के साथ विलन 25 खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 3-on-4 की फाइट है, रॉकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्यन के साथ होने वाले हैं, और याही भी इनके साथ होने वाले हैं। 3-on-4 में देखेंगे जरूर क्या कुछ होगा इस मैच के अंदर, जब विलन 25 की स्क्वाड बेस्ट ऑफ 3 खेलती हुई नजर आएगी टीम डी के अगेंस्ट में। फिलहाल पहला ही मैच है, और दोनों ही टीमें आमने सामने खेल रही हैं, और 1-0 से लीड में है टीम डी, तो देखेंगे जरूर विलन 25 कब तक कमबैक करते देखेंगे। विलन 25 के पास मूवमेंट, रफ्तार, सब कुछ दिख रही है, 2 किल कर चुके हैं और MVP बने हुए हैं। जी हाँ, जिस हिसाब से खेलते हैं मेरे ख्याल से अकेले ही काफी है सामने वाली स्क्वाड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस हमेशा उमदा तरीके से निकलता है। इनके साथ साथ ही जार होने वाले सुनियो, एमरडोन, उनके साथ साथ टून, तो कैसी टून बजेगी, और सामने रॉकर, आर्यन, और याही, तो आर्यन नॉकर, याही की हेल्थ लो, और सामने 4-3 बंदे होने वाले हैं। विलन नॉक हो गए, यहाँ पे बात करें तो 1-on-3 की फाइट है, और एक और बंदे को डैमेज दिया रॉकर ने, और कंप्लीट करके डैमेज देके नॉक कर सकते हैं फिलहाल अकेले। याही भी कंप्लीट, और स्क्वाड वापसी करेगी विलन ए खुदा विलन 25 की। दूसरा राउंड काफी अच्छा विलन की स्क्वाड ने कमबैक किया है, पर क्या तीसरे राउंड में ये कमबैक कंटिन्यू रख सकते हैं, और MP40 पाते हुए नजर आ रहे हैं विलन 25, पर इनके हाथों से तो 2 शॉट ही चलती देखी हमने। जी हाँ, जब 2 शॉट चलाते हैं तो रुखे से नहीं रुकती है। फिलहाल देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है, किया जा रहा अकेले को, तो अकेले होने वाले हैं DI पर, नीचे महेंद्र भी होने वाले, तो कवर देंगे बंदे को, देखा है हेडशॉट दिया है, लो हेल्थ करेंगे विलन एक खुदा, पीछे की तरफ जरूर लेंगे, और बाहुबली महेंद्र है, बाहुबली क्या आगे वो पुश करेंगे, जरूर देखने वाली बात होगी। विलन एक खुदा को यहाँ पर नॉक ले लिया गया, फिलहाल ऊपर से बंदा आया और कंप्लीट कर दिया फाइट 3v4 की हो गया। विलन 25 की स्क्वाड पीछे बैक जरूर ले रही है, कम बैक कर रही है पीछे की तरफ, इनको पता है मुसीबतें बढ़ रही हैं आगे की तरफ से। फिलहाल देखेंगे जरूर 3-on-3 की फाइट है, बंदे को देखा है डैमेज देके नॉक करके अटका दिया फिलहाल 3-on-3 में। 3-on-3 में क्या कुछ होता दिखेगा ये भी देखने वाली बात होगी। मैच काफी गर्मा गर्मी का और जोरदार चलता हुआ नजर आ, तो देखेंगे जरूर महेंद्र रॉकर या ही क्या कुछ करने वाले हैं, और सामने होने वाले सुनियो ए अमरदान टून, तो देखेंगे टून को जरूर नॉक लिया एमरडाउन, क्या हील करने जाएंगे बंदों को, पीछे से रोक के खेल रहे हैं एमरडाउन, थोड़ा TPP लेके ज्यादा अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जेन का गेम प्ले देखने से पता चल रहा है, होल्ड करेंगे, बंदा कोई आएगा तो उसकी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल फाइट में मुझे बस या ही गुप्पे 2 शॉट चलेंगे, क्या बात है, क्या क्लच कर रहे हैं पे टून भी हिल हो जाएंगे। फाइट 2v3 की होती नजर आ रही है, रॉकर आगे की तरफ है, बंदे को दिखाया शॉटगन की गोली 3 चली है, एक और बंदे को दिखाया डैमेज कर देंगे, महेंद्र नीचे फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं, एमरडोन जोन की तरफ से रोटेशन जरूर लिया, और बंदे को देखेंगे और यहाँ पे हील कर लिया टून, गलती कर रहे हैं बंदे को हील करने के चक्कर में, ओ माय गॉड, खुद भी नॉक हो गया, और अकेले
अकेले मैडोन रह गया, तो मैडोन के सामने एक बंदा रहने वाले, चूंकि महेंद्र होने वाले तो पीछे का बंदा रॉकर भी शायद एलिमिनेट हो गया। वन ऑन वन की फाइट पर शॉटगन सामने वाले बंदे पर चलेगी नहीं, बरसेगी और 2-1 से वापसी करेगी विलन A25। राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है कि ओम की गुजारिश सुनने लगे हम कहीं ना कहीं से, किसकी तरफ से? विलन A25 मोबाइल प्लेयर होने के बावजूद भी लगता नहीं कि बंदा पीसी से कम है। जब ये बंदा खेलता है तो सामने वाले प्लेयर भी चाहे कम पानी लगते हैं जिस हिसाब से इनका गेम प्ले। जी हाँ, डबल ओम ऐसे चलती है जैसे मक्खन। फिलहाल पीसी प्लेयर ना होने के बावजूद भी इतना तगड़ा गेम प्ले करना जानते हैं विलन 25। जी हाँ, तभी तो उनको उड़ीसा का बेस्ट प्लेयरों में से एक कहते हैं विलन A25। फिलहाल 3-on-3 की फाइट जरूर होगी। महेंद्र के सामने बंदा है, रॉकर है और यह ही होने वाले हैं। आर्यन जा चुके हैं फाइट में, एक और बंदा नॉक है। विलन A25 नॉक हो जाएंगे। जी हाँ, डबल ओम होने का कार्रवाई पर रोक दिया गया है महेंद्र ने। महेंद्र के सामने एक और बंदा क्या महेंद्र को ले पाएंगे? जी हाँ, शॉटगन पे हेड। ओ माय गॉड, 10-20 की आंसर क्लच। ओ माय गॉड, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? कर दे गए। ओ माय गॉड, क्या ही कमबैक करा रहे हैं डी महेंद्र बाहुबली के सामने। विलन A25 होने वाले तो देखेंगे जरूर। विलन A25 दो शॉट पे आए जरूर हैं, क्या दो शॉट चला पाएंगे? जी हाँ, हम तो वही कह रहे थे दो शॉट चलाएंगे तो बैटर चलाएंगे, क्योंकि इनकी दो शॉट का कोई जवाब नहीं होता है। फिलहाल चार बंदे इनके सामने होने वाले हैं टीम डी के 4-on-4 की फाइट में, देखेंगे क्या कुछ होता देखेगा। विलन A25 क्या कुछ करने इस मैच के अंदर, भेड़ चोद। और बंदे को नॉक जरूर लिया है, 3-on-4 की फाइट है, टून जरूर नॉक हो गए। फाइट फिर भी 4 की हो गई और विलन A25 भी यहाँ पे नॉक हो रहे हैं। मुसीबत में विलन की स्क्वाड जरूर दिख रही है, क्या यहाँ पे कम बैक करती दिखेगी विलन A25 की स्क्वाड? यहाँ पे सुनियो अमेडन, सुनियो को भी क्या ले पाएंगे, जरूर देखने वाली बात होगी। सुनियो अकेले सामने 3-3 बंदे होने वाले हैं। 1-on-3 की फाइट है, 1-on-3 की फाइट है, कंटिन्यू प्रेशर बनना है, पर टीम डी की स्क्वाड लगातार 3 राउंड जीत के कम बैक करती हुई नजर आ रही है। क्या विलन A25 कम बैक करते हुए दिखेंगे? छठा राउंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं काफी रफ्तार के साथ, जिससे आपसे टीमें खेल रही हैं उम्दा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। डैमेज दिया गया है पर नहीं रुक जाएगा महेंद्र, सीधा रस जरूर लिए थे पर रुक लिया। फिलहाल मैच काफी जोरदार, टीम डी बना और माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ही हेडशॉट चले यहां पे बंदों के ऊपर। टून टून सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नामुमकिन, क्योंकि यही पीछे से सीधा लाल अक्षर देखेंगे, लाल अक्षर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं डीआई और यहाँ पर मुसीबत में दिख रही है विलन A25। क्या विलन की स्क्वाड कमबैक करते हुए देखेंगे? विलन के ऊपर पूरा दामोदर की अपनी स्क्वाड को पूरी को कमबैक कराते हुए देखें तो जरूर देखने वाली बात होगी। क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर, 3-on-4 की फाइट है। जी हाँ, 3-on-4 की फाइट है तो मुसीबत में जरूर टीम विलन 25 के स्क्वाड, तो देखने वाली बात होगी। ऊपर से बंदा कूदेगा या नहीं, यहाँ पे भसड़ मची हुई है गंदी वाली। रॉकर नीचे की तरफ होने वाले और एक और बंदे को नॉक करेंगे, सुनियो को यहाँ पे नॉक करके कंप्लीट कर पाएंगे? जी नहीं, रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। विलन नॉक कर रहे हैं पर बंदे को देखा जरूर है, पर फिर से वॉल लगा लिए, बचने की कोशिश। MP40 कंटिन्यू, एक नहीं दो नहीं तीन बंदे और अकेले बच गए, कोई नहीं बचा और 4-2 से आगे आ रही है टीम डी। 7वां राउंड है और गेम प्ले मजेदार चल रहा है। जी यहाँ पे 4-2 से लीड है फिलहाल टीम डी के स्क्वाड अगेंस्ट में विलन 25 के, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर। बंदे पूरे पर बंदा नॉक है यहाँ पे टीम डी के, डीआरएन को नॉक करके प्रेशर बनाया जाएगा विलन 25 की तरफ से। क्या विलन सीधा रस करेंगे या फिर कौन करेगा इनकी तरफ से? मैच जोरदार होने वाला है फिलहाल इन दोनों ही टीमों के बीच, बने रहिएगा एंड तक क्योंकि ये मैच है टीम डी और विलन 25। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक मैं आप सबको बताना चाहूंगा, 30,000 रहने वाला है। जो भी चैनल पर नहीं आ रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते चलो। अमेडोन की तरफ से डबल ओम देखते हुए नजर आ रहे हैं, रॉक नॉक और कंप्लीट टून वापसी करेंगे और बंदे को सुनियो लेते हुए नजर आएंगे और कम बैक करेंगे विलन 25। 2-on-4 की फाइट, आर्यन ने भी एक बंदे को लिया है, हेडशॉट से फाइट में मुसीबतें दिख रही है और ट्राई करना है, पूरा का पूरा फाइट ले रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो डीआरएन के सामने 1-on-3 सिचुएशन, क्या बंदे को बचा पाएंगे? जी नहीं, लेफ्ट से बंदा आएगा और डबल ओम चला रहे हैं मैडोन और साथ साथ यही भी नीचे साथ होने से आ रहे हैं। फिलहाल देखेंगे जरूर, भसड़ बहुत गंदी है, तो उनको नॉक ले लिया गया और आर्यन भी यहाँ पे जा चुके हैं और अकेले आ ही रह गए। यही के सामने 1-on-3 सिचुएशन, क्या 1v3 क्लस निकाल सकते हैं डीआई? बंदे को देखा है, हेडशॉट दिया है, अब एक बंदा पीछे अंदर आया है और इसको ले जाएंगे और दो दो बंदे, तीन बंदे, ओम भाई और विलन A25। विलन A25 कम बैक करेगी यहाँ पे मील के राउंड में। 8वां राउंड है और यहाँ पे वापसी के संकेत दे दिए विलन A25 ने, तो देखेंगे जरूर कैसा कमबैक इनकी तरफ से होने वाला है। फिलहाल सामने इनके बंदे होने वाले हैं विलन के, पूरा होल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं यही को जाते हुए देखना चाहते हैं ऊपर बुट पी घर से देखते से हेड मारेंगे। ओ माय गॉड, मिस हुआ है पर ट्राई पूरा किया जा रहा है और यही ना बॉल जरूर पुट करिए और हेल्थ 30 की बची है, क्या इनको कोई बचाना आएगा? महेंद्र नीचे आ चुके हैं बचाने के लिए इनको और रॉकर भी यहीं पा चुके हैं, तो बस अड़े यहीं मचने वाली है। यही को जरूर नॉक ले लेगा, कंप्लीट करने के चांस पूरे बनेंगे विलन A25। बड़े ही फास्ट और साथ यहाँ पे बात करें तो सुनियो ने जाके कंप्लीट कर दिया है एमाडोन, पूरा ट्राई कर रहे हैं डबल ओम से बंदे को बैकअप देने का। टू नीचे की तरफ होने वाले हैं, टीम डी के स्क्वाड में मुसीबत और कम बैक हो रहा है विलन A25 की तरफ से। जी हाँ, काफी अच्छा कम बैक करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल देखेंगे जरूर
एक और बंदे को देखा है, जरूर मुसीबत में। और ये टूर्नामेंट का मैच चल तो नजर आ रहा है। जी हाँ, टीम डीसीएस एमएस 4.0 का टूर्नामेंट का मैच, दोनों ही टीमें आमने सामने। विलन ने 25 कमबैक कर रही है, अलग ही लेवल का। तो देखेंगे जरूर, ट्रिपल किल सुनियो की तरफ सारी है। ओ माय गॉड, व्हाट अ गेम प्ले फ्रॉम सुनियो। तो 1-on-3 की फाइट है, 1-on-3 की फाइट है। तो 1-on-3 की फाइट में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है 1-on-3 की फाइट में, जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैच है काफी जोरदार तरीके का। जी हाँ, जिस हिसाब से टीमें खेल रही हैं, अलग ही लेवल गेम प्ले कर रही हैं। पर आर्यन अकेले एक बंदे को जरूर ले जाएंगे। 1-on-2 की फाइट छोड़ी है, 1-on-2 क्या संभाल पाएंगे। जी हाँ, बंदे को कंप्लीट कर देंगे, बट उनको हेडशॉट देके 1-on-2 की फाइट। नीचे दो बंदे होने वाले हैं, टू उनके साथ साथ सुनियो। तो सुनियो क्या ऊपर चढ़ के इनको GNTN बना पाएंगे, या फिर कुछ और करेंगे। फिलहाल देखेंगे जरूर, 1-on-2 में नीचे से उतरना लाजमी हो जाएगा अभी इनके लिए, क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो उतरना लाजमी नहीं, कंपलसरी हो जाता है। और उतरेंगे तो यहाँ पे पूरे तैयार टून और सुनियो कि हम वन टैप टम टैप दे दें। देखा है, कंप्लीट चैप्टर क्लोजर, कम बैक, हैशटैग कम बैक बोलते हैं विलन 25 की तरफ से। नौवां राउंड और विलन की तरफ से जो कम बैक हो रहा है, अलग ही लेवल हो रहा है। जी हाँ, अलग ही लेवल कम बैक होता हुआ दिख रहा है। तो देखेंगे जरूर इस मैच के अंदर कैसा कम बैक और कैसा गेम प्ले होता दिखेगा जब टीम डी के स्क्वाड इनके सामने होगा। विलन ने 25 तीन किल के साथ, 7 किल के साथ सुनियो, 6 किल के साथ एमाडोन, और टून 4 किल के साथ, महेंद्र 6 किल के साथ, 5 किल के साथ रॉकर, आर्यन 5 किल के साथ, यही 5 किल के साथ। बात करें तो एमाडोन की, जी हाँ, देखने में इतने खतरनाक नहीं लग रहे, पर इंप्रेशन और जो खतरनाक गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग ही लेवल। जी हाँ, महेंद्र राइट से जब घूम रहा हूँ, एमाडोन ओ माय गॉड, व्हाट अ स्विचिंग पर डेजर्ट ईगल, हेडशॉट से नहीं बच पाएंगे डीआई के। और ये आई के हेडशॉट, वन टैप, लाल 3-on-4 की फाइट, डबल अंडर 25, पता है मुसीबत में। अब टीम डी की स्क्वाड कमबैक करते हुए दिखेगी। अगर चैनल पर नहीं आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी, हमको 4 लाख की फैमिली करनी है। जी हाँ, 4 लाख की फैमिली, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो जो भी आ रहे हो चैनल पर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब मारते चलो। और हमें फिलहाल मुसीबत में विलन 25 और कमबैक होगा टीम डी का। 4-on-4, 5-4 से लीड टीम डी की अगेंस्ट में विलन 25। विलन 25 क्या कमबैक करेंगे या फिर मुसीबत में दिखेंगे, जरूर देखने वाली बात होगी। मुसीबत बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पर सामना इनको ही करना है। फिलहाल देखेंगे जरूर, विलन 25 के पास प्रतिभा है गेम प्ले चेंज करने की, कभी भी गेम प्ले चेंज कर सकते हैं विलन 25। तो देखेंगे जरूर कैसा गेम प्ले चेंज करेंगे और कैसा ये बदलाव करेंगे। फिलहाल मुसीबत में डाला जा रहा है सामने वाले बंदों को, महेंद्र पूरा ट्राई कर रहे हैं बंदों को एक हाथ को नॉक निकाले, पर पूछे को जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी मूवमेंट के साथ रफ्तार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे डी रॉकर यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, टी महेंद्र भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। फाइट 2v3 की हो गई है, मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पर विलन ने 25 कमबैक कर रही है कंटिन्यू लगातार, बार बार अकेले यही क्या कुछ कर पाएंगे। 1-on-3 की फाइट हो गई है, यहाँ पे एक बंदे को जरूर नॉक किया है शायद मेरे ख्याल से डी आई ने, और फाइट 1-on-3 की, और मैच भी 5-5 पाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ही कांटे का मुकाबला चल रहा है इन दोनों ही टीमों के बीच में। टीम डी बना विलन 25। तो देखेंगे जरूर, सामने बंदा डैमेज देने की ट्राई थी, पर उससे पहले वॉल फुट, पीछे से बंदा मूवमेंट के साथ रफ्तार के साथ हेडशॉट, विलन 25 डबल किल के साथ रुखे से नहीं रुक रहे, और 5 किल 5 राउंड में। मुसीबत और मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है दोनों ही टीमों के लिए। एमाडोन जो बैकअप प्लेयर थे सबसे पहले उनका ही हेडशॉट खोला है किसी ने, और दो दो बंदे नॉक है, विलन ने 25 भी नॉक है, 3 बंदे नॉक अकेले टून। मुसीबत बढ़ती जा रही है। क्या यहाँ पर विलन 25 की स्क्वाड एक और राउंड देती हुई नजर आ रही है, क्या टीम डी की स्क्वाड ने फिर से कमबैक कर लिया 6-5 से। जी हाँ, एक राउंड विलन 25 तो एक राउंड टीम डी, मतलब दोनों टीमें सीधा सीधा रस ले रही हैं, और जो जिसको मार दे रहा है, चैप्टर क्लोज कर दे रहा है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो रहा है। तभी तो सिर्फ 15 मिनट हुई है इस गेम को। तो देखेंगे जरूर कैसा मैच होगा, क्या विलन 25 कमबैक करेगी या फिर मैच पॉइंट होने वाला है टीम डी के लिए, जरूर देखने वाली बात होगी। ओ माय गॉड, क्या शॉट कनेक्ट किया यहाँ पे। बात करें तो विलन ने 25 डबल होम चलाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक और साथ है यहाँ पे। बात करें तो गेम प्ले यही पे प्रेशर बनाया जा रहा है पूरा, यही भी बहुत साथ है, पीछे आ चुके हैं परमानेंट काउंटर में, और महेंद्र सिंगल होम के साथ शॉर्ट रेंज लेते हुए नजर आ रहे हैं। और विलन क्या यहाँ पे किसी को नॉक निकाल कर मुसीबत पैदा कर सकते हैं टीम डी के लिए, देखने वाली बात होगी। मैच पॉइंट होने वाला है। जी हाँ, हम आपको बता दें तो मैच पॉइंट का राउंड है, और दोनों ही टीमें जीत के लिए खेल रही हैं। जी हाँ, दोनों ही टीमों को जीत अनिवार्य है, बेस्ट ऑफ 3 दोनों ही टीमों के बीच में होना है। जो सी टीम हारी टूर्नामेंट से गुड बाय करती हुई नजर आएगी। तो देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर। विलन 25 के साथ पूरी स्क्वाड इनकी अगुवाई में खेलती हुई नजर आ रही है। लास्ट राउंड जेंस राउंड में कमबैक करना लाजमी है, वरना दूसरा मैच स्टार्ट होगा जो कि होगा बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा। विलन 25 को देखा है, डैमेज दिया, नॉक हो जाएंगे। रॉकर
रॉकर भी यहाँ पे नॉक और याई इनके सामने, याई भी नॉक तो कंप्लीटली डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। और क्या हेल्थ, 14 की हेल्थ, 10 की हेल्थ, मतलब हेल्थ तो इतनी लो बची कि कमबैक, ओह माय गॉड कितनी लो हेल्थ सबकी, सारे बंदे हील करेंगे पर कमबैक किसका होगा, विलन 825 का। मैच जाएगा लास्ट पॉइंट तक, मैच पॉइंट तक तो बने रहिएगा एंड तक, क्या कुछ होने वाला है, गर्मा गर्मी का माहौल, मैच ऐसा होगा कि उंगली चमा लो। फिलहाल सुनियो नॉक है, सुनियो नॉक है, टीम डी का एक और बंदा नॉक, अकेले मैं, अकेले आर्यन रह गए, कोई नहीं बचा और मैच 6-6 पे, ओ माय गॉड व्हाट अ मैच, अब होगा मैच पॉइंट गाइस, मैच पॉइंट फॉर यू, जी हां मैच पॉइंट आ चुका है। एमेडॉन 10 किल के साथ एमवीपी बने हुए हैं और या ही 8 किल के साथ एमवीपी बने हुए हैं, तो मैच पॉइंट किसके नाम, कौन सी टीम है लास्ट का जीतेगी और कौन सी टीम, अब तो गया कमबैक हो रहा है। जी हाँ एक और बंदा नॉक, तो 3-on-4 की फाइट, मुसीबत में टीम डी और यहाँ पे विलन 825 पहले ही मैच में अग्रसर कर दिया है कि बेस्ट ऑफ 3 को अपने नाम करना है ये विलन की स्क्वाड, तो देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर जब विलन 825 अपनी स्क्वाड को इतना प्यारा लीड करते हुए देखेंगे इस मैच के अंदर। फिलहाल देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है, 3-on-4 की फाइट है, 3-on-4 की फाइट होने वाली है इस मैच के अंदर, तो मुसीबत में, जी हम मुसीबत में होने वाली है टीम विलन 25 के अगेंस्ट में टीम डी, तो देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाला है। 3-on-4 पर मैच होल्ड पर जा रहा है क्योंकि पता है टीम डी ने अगर एक और बंदा गवाया तो मैच इनके हाथों से गया और इसलिए विलन 25 की स्क्वाड रस नहीं करेगी, अगर गलती से रस में कुछ मिस्टेक हुई तो इनके हाथ से राउंड जाता दिखेगा। तो लास्ट राउंड दोनों टीमें होल्ड पर खेलेंगी और दोनों टीमें एक दूसरे की गलतियों का वेट करेंगी, अगर लास्ट जोन आएगा तो फिर इजीली पता चल जाएगा कि विनर कौन होने वाले। फिलहाल डैमेज देने की ट्राई थी पर बचे महेंद्र बाहुबली और आगे आई और यहाँ पर रॉकर ने मैच 3-on-3 पे लाके खड़ा कर दिया ऊपर चढ़ के, एक बंदे का चैप्टर क्लोज मैच 3-on-3 का, मैच 3-on-3 का, क्या ही गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है भाई साहब, उंगली चबाने का दिल कर रहा है, मैच 3v3 का आ गया, फिर से मैच बराबरी पे, अभी भी जो पड़ला भारी हुआ था टीम विलन की तरफ अब वो कम हो चुका है। ओ माय गॉड हेल्थ तो लो करी गई है टीम डी के बंदों की काफी ज्यादा, और नॉक, एक और नॉक, एक और गेम चेंजिंग पारी होती हुई नजर आ रही है विलन 25 की तरफ से, क्योंकि विलन की स्क्वाड बिल्कुल भी जो नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर सुनियो का स्क्वाड चले पर एक और नॉक, 5v2 की, मैच कहीं भी मत जाओ क्योंकि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रॉकर पूरी ट्राई करेंगे ऊपर रुकने की क्योंकि पता है अभी ये नीचे नहीं जा सकते, और यहाँ पर रॉकर नॉक और यहाँ पर विलन 25 की स्क्वाड मेरे ख्याल से मैच जीतती हुई नजर आ सकती है, क्या कुछ होने वाला है देखने वाली बात होगी। और बंदा एलिमिनेट, जेम गेम, अब क्या कुछ होने वाला है, और टीम डी की स्क्वाड जीत गई 7-6 से, ओ माय गॉड जहां पर विलन 25 का बंदा चढ़ा था उसको मारकर रॉकर पहुंचे ऊपर, फिर हुआ जो छोटा टीम डी के डी रॉकर पहुंचे ऊपर और एंड मार के विजय अपने नाम करी डी रॉकर ने। महेंद्र 8 किल के साथ एमवीपी रहे और 11 किल के साथ एमरा डॉन एमवीपी रहे, और आज के पहले मैच में बस इतना ही, मिलते हैं बेस्ट ऑफ 2 में टीम डी बना विलन 25 के।